सो गाइस, कल के दिन बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन कौन सी होने वाली है, और दोस्तों बैंक निफ्टी के कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी के दिन कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, और दोस्तों कल के दिन आपको कैसे जैकपॉट ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, और दोस्तों कैसे आप जैकपॉट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लग रखा है और डेली चार्ट लग रखा है, और दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे आज के दिन एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है, बट दोस्तों इसके पीछे का रीजन है निफ्टी। निफ्टी यहां पर आज के दिन नेगेटिव थी, तो इसी वजह से ये अपसाइड में मूवमेंट नहीं कर पाई अच्छी तरह से, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था, बट दोस्तों यहां पर ये एक कंसोलिडेट होकर यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब दोस्तों यहां पर अगर 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तभी दोस्तों आपको अपसाइड का बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों यहां से वापस ये डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पर भी केयरफुली होकर ट्रेड कीजिए अपसाइड में, और डाउन साइड में जब भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा वो दोस्तों यहां पर आपको 40,800 के नीचे ही आपको डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों यहां पर आपको डाउन साइड में भी अपनी पोजीशन को मैनेज करके चलना है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे आप ट्रेड करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को। उससे पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों काफ़ी देर तक आपको यहाँ पर कंसोलिडेट होते रही, यहाँ पर इनसाइड कैंडल सी बनती रही, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, बट दोस्तों यहाँ पर 700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो दोस्तों यहाँ से वापस आपको अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिला, और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कॉल ली थी, और दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने को मिला था जो कि 42,000 के आसपास गया, और दोस्तों यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वहीं से वापस दोस्तों डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम आया, क्योंकि दोस्तों यहां पर 42,000 के आसपास जब भी जाता है ऑल टाइम के हाई के आसपास, तो दोस्तों आपको यहां पर सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, और दोस्तों जब भी यहां पर गया मार्केट डाउन साइड ही आया, देखिए यहां पर, तो दोस्तों आज के दिन दो बार मार्केट गया यहां पर से, दोनों बार आपको डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों अपसाइड में भी केयरफुली होकर ट्रेड देना, जब तक 42,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती अपने को तो अपसाइड में अपने को ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करना है, यहां पर अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लैट ओपन होता है तो दोस्तों यहां पर 700 का लेवल ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम आपको कल के दिन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों पहला टारगेट अपना यहां पर ये रहेगा 41,500 का, उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक करता है तो 41,300 का, और 41,200 और 41,100 और 41,000 ये मल्टीपल आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। इन सपोर्ट पर आप छोटे छोटे सपोर्ट है इन पर यहां पर नज़र बना के रख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में निकलता है, 42,000 के लेवल को ब्रेक करता है और अपसाइड में सस्टेन होता है 42,033 के आसपास या 42,035 से ऊपर सस्टेन होता है तभी अपन यहाँ पर कोई ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड अपन नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों अपसाइड में 42,200 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद 42,450 का, और उसके बाद 42,640 का टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको भी केयरफुली होकर ट्रेड करना होगा, बट दोस्तों यहां से अगर डाउन साइड आया तो बहुत ही तेज़ी से यहां पर डाउन साइड आता हुआ भी दिखेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कल के दिन गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझना होगा, और प्राइस एक्शन समझने के बाद ही आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज दोस्तों पहले 5 मिनट की कैनल पर नजर रखना है कि पहले 5 मिनट की कैनल कैसी ड्रॉ हो रही है, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर गैप अप मार्केट और गैप डाउन मार्केट के अंदर। अदरवाइज दोस्तों 9:10 के ऊपर इसी चैनल के ऊपर मैं लाइव रहता हूँ, और लाइव मार्केट के अंदर आपको बताता हूँ कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों आपको सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे मैं लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये काम कर लीजिए। अब बात करते हैं कल के दिन जैकपॉट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होता है और दिन में 1:30 के आसपास यहाँ पर आता है 41,700 के आसपास आता है, और इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर ब्रेक करेगा तो दोस्तों आपको एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और दोस्तों डेफिनेटली आपको एक जैकपॉट ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और दोस्तों यहाँ पर 42,000 या फिर 41,900 के आसपास आता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों आपको एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, और दोस्तों इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप कल 9:10 से लेकर 3:30 तक मैं लाइव रहूँगा, और लाइव मार्केट के अंदर आपको बताऊँगा कि जैकपॉट ट्रेड कैसे आपको करना चाहिए और कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो दोस्तों
कुछ इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कल के दिन दोस्तों आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड करना चाहिए, आपको एट द मनी और इन द मनी ट्रेड ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एट द और इन द मनी के अंदर ही आपको प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको डीके बहुत ही तेजी से होगा और आपका प्रीमियम मूवमेंट होने के बाद भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी होगी, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं लाइव सेशन में कल के दिन। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।